देखिए भाई, महाराजा की एसटीआर डोर जो कि फैजाबाद जाती हुई, ये महाराजा की एसटीआर डोर है जो कि जुनेद काइट सेंटर में लखनऊ में बिकती है। बहुत बहुत फेमस है ये। देखिए मैंने चारों तरफ से टेप लगा दिया है भैया की, ताकि ये चक्का हिले ना। अब ये बबल रैप में पैकिंग हो रही है। इसकी बबल रैप में पैकिंग हो रही है। भाई हम खुद अपने कस्टमरों को वो रेट लगाते हैं कि कहने को ना रहे। आप लोगों के सपोर्ट और आशीर्वाद से चारों तरफ माल भेजते हैं भाई। बस ये है कि थोड़ा सा आप लोग सपोर्ट करेंगे तो बेहतर रहेगा भाई। बाकी आप खुद जानते हो भाई हम किस कंडीशन में हो, कैसे काम करते हैं। आप समझ लीजिए, बस अड्डे जाएंगे, देख लीजिए, अब बस अड्डे जाएंगे, अब कैसे हम बस पे चढ़ के सामान देंगे वो मेरा ही दिल है। क्योंकि बेटा दुकान नहीं देखेगा तो दिक्कत है। अभी ये भी कितना छोटा सा मासूम है भाई, अपने काम को बहुत ईमानदारी से करते हैं भाई। अभी देखिए हैदराबाद भेजा था फैंसी लटाई, बहुत ही मुनासिब मार्जिन पे बेचते हैं भाई। अब ग्रुप पे रेट डाल के कौन क्या लाया, किस रेट का लाया, वो मैं नहीं करता हूँ भाई। क्यों? क्योंकि कोई क्या रेट का लाया है मुझे उससे नहीं मतलब, ना मेरा किसी से कंपटीशन है ना ही कुछ। मैं अपने काम को अपने ईमानदारी से करता हूँ भाई, बस इतना जानता हूँ। बाकी सद्दी अद्दी किसी को भी चाहिए, आज मैं वीडियो डालूँगा। और मांझे भी आए थे, करीब 20-22 चरखे आए थे, अभी इधर आए हैं। इदरीस भाई के भी आए हैं और छोटे पेज के चढ़े पैटर्न में आए हैं, वो सारे मांझे रखे हैं। आज मैं रिमूव डालूँगा वही करीब 3 बजे के बाद, क्योंकि ईद के त्यौहार की वजह से मैंने रोक के रखे थे। मेहंदी हसन की भी डोर आई है, रफाकत भाई की भी आई है, सब फैंसी चरखे आए हैं, क्योंकि मैंने रोक के रखा था कि अब रिमूव डालूंगा। अजीम इम्तियाज की भी मिल जाएगी, वो रेट दे दूंगा भाई, आप चौक जाएंगे। अजीम भाई की डोर, वो बोरी उठाओ, बोरी में डाल दो। मैं अपने कस्टमरों से पैकिंग का कोई चार्ज नहीं लेता हूँ भाई, कि कोई पैकिंग का चार्ज लेता हूँ कस्टमर से। देखिए रैपिंग करके करा पहुँचाने जाऊँगा, क्या मेरा खर्चा नहीं लगता है? लेकिन कभी नहीं लेता हूँ। क्यों? क्योंकि क्या कहूँ भाई, मैं कुछ शौकीन था मैं अपने क्षेत्र में पतंग वो रेट की भेज देता हूँ भाई। बच्चे आके कहते हैं अंकल फला दुकान में तो बहुत महंगी बिकती है। हम कहते हैं सब मिलती हो यार, अपने रेट पे बेचूँगा, बच्चे ले जाएंगे खुशी से, क्योंकि मैंने भी अपना बचपन देखा पैसे कैसे आते हैं भैया। अभी मेरी दुकान में आग लग गई थी, कुछ नहीं बचा था भाई, कुछ नहीं बचा था। 2 महीने केवल, 3 महीने, 6 महीने तक के केवल नमक रोटी खाते थे, चटनी रोटी। मैंने वो दिन देखा है भैया, मेरे वीडियो में देख लीजिए, मेरा घर बहुत बड़ा है, घर का एक कोना भी बेच दूं भाई बहुत मिल जाए। लेकिन मैंने जो मेरे पिता ने बनाया वो उनकी संपत्ति है, मैं उसको बढ़ाऊंगा घटाऊंगा नहीं भाई। मुझे समझ में नहीं आ रहा, मैंने बोल तो दिया बहुत कुछ, कुछ गलत बोला हो तो माफ़ी चाहता हूँ भाई। हो सके भाई इंसानियत के नाते चैनल को आगे बढ़ा दिया करो, ताकि दूर दूर तक की जाए, विश्वास रहे लोगों को। ओके भाई।